हरियाणा के शेरशाह में शराब सस्ती करने के विरोध में शनिवार को आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर घेराव करने पहुंची। पुलिस ने भूमर शाह चौक पर बैरिकेड्स लगा प्रदर्शनकारियों को रोक लगा दिया, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आप महिला कार्यकर्ता ने हाथों में शराब की बोतलें पकड़कर सरकार के फैसले का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शराब के रेटों को सस्ता करके युवाओं को शराब पीने के लिए उकसा रही है। युवा देश का भविष्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता किया जाना चाहिए। आप नेता कुलदीप गदराना ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द नई आबकारी नीति को वापस ले। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने 24 घंटे शराब ठेके खोलने के आदेश जारी किए हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि शराब ठेकों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की में आप कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।